हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यू जॉब वैकेंसीज के बारे में जो डायरेक्ट निकल कर के आ रहा है अमेजॉन कंपनी की तरफ से। यहाँ पे डिफरेंट जॉब वैकेंसीज पोस्ट की गई हैं डिफरेंट लोकेशन में और साथ ही साथ कुछ वर्क फ्रॉम होम जॉब भी रहने वाला है। तो ठीक है, सो बेसिकली अमेजोन में काम करने से पहले आपको कुछ बेनिफिट्स तो ऐसे ही मिलती हैं, जैसे कि आपको मील कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। हर मंथ आपको 1400-1500 रुपया पैसे दिए जाते हैं मील के लिए। साथ ही साथ 5 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है। नाइट शिफ्ट अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको अलाउंस भी प्रोवाइड कराई जाती है एक्स्ट्रा, यानी कि 7 to 8 hours का यहाँ पे वर्क रहता है, बट अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम के लिए आपको अलग से अलाउंस प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ ही में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पैन इंडिया रहने वाला है, वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है, तो अगर आप घर बैठे यहाँ पे काम करते हो इस कंपनी के लिए तो जो भी आपका इंटरनेट का खर्च आता है वर्क फ्रॉम होम जॉब करने की कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, और वो भी 1400 से 1500 अप्रॉक्सीमेटली आपको पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये अमेजोन में काम करने वाले लोगों को इतना बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। और ये रहा अमेजोन कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट, और हमें यहाँ पर क्लिक करना है फाइंड जॉब्स के ऊपर। फाइंड जॉब्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो आप पहुंच जाओगे इस तरह के इंटरफेस पे, जहां पे आपको डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे काफ़ी सारे जॉब ओपनिंग्स और डिफरेंट लोकेशंस में पोस्ट की गई हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है जहाँ आपको मूव कर। ये पैन इंडिया वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा क्योंकि पैन इंडिया है। आप इस पोस्ट के बारे में देख सकते हो, वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस, ये भी इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रह रहे हो तो इस काम को आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट, आप जैसे ये मध्य प्रदेश में आपको जाना होगा, इसके लिए कोयम्बटूर के आपको मूव करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे और ये दो पोस्ट हमारे सामने हैं, वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस एंड वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ये दोनों ही पैन इंडिया रहने वाला है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आप घर बैठे इस काम को कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली इसमें आपको करना क्या रहेगा, तो इसमें आपको एज अ कस्टमर सपोर्ट की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे कस्टमर्स जो है कॉल करेंगे, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो कस्टमर्स को आपको चैट के थ्रू या फिर वॉइस मेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना है और उनसे बात करना, उनके क्वेरीज को सॉल्व करना है। इसमें जो रिक्वायर्ड स्किल मांगा गया है वो आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, रिटन एज वेल एज वर्बल, क्योंकि बेसिकली आपको कस्टमर्स को डील करना है, कस्टमर्स को आपको समझाना है और उन्हें हेल्प करना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना चाहिए। एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल द कस्टमर, आप कस्टमर को कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो, क्लियरली समझा सकते हो, कट टू कट आपको बात करना है उनसे, ठीक है। इसके बाद फिर कंप्यूटर नॉलेज स्किल आपसे मांगा गया है, क्योंकि कंप्यूटर पर ही आपको काम करना है ये सारा चीज़, तो एटलीस्ट आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और उसमें भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यूज़ करने आता है, इंटरनेट आप अच्छा खासा चला लेते हो, और आपकी टाइपिंग स्किल अगर आपकी अच्छी होती है तो आप यहाँ पे आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। टाइपिंग स्किल इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको चैट के थ्रू आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना होगा या फिर आपको मेल सेंड करना होगा उन्हें, तो ये सब के लिए आपकी टाइपिंग स्किल यहाँ पे मांगी गई है। और आपको काम तो एमएस वर्ड में करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो ये बहुत ही सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। एमएस वर्ड के बारे में आजकल सबको पता होता नहीं भी है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल वीडियोज़, जहाँ से आप आराम से सीख सकते हो। इसके लिए कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन या फिर सर्टिफिकेशन की यहाँ पर मांग नहीं की गई है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है, ठीक है। अगर आप 12th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, देन वेल एंड गुड, बट अगर आप +2 हैं तो एटलीस्ट आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन था। तो इस तरह से आप इस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, ये था आपका फर्स्ट वाले के लिए जिसके लिए मैंने आपको बताया अभी।
अब यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है अप्लाई का ऑप्शन, अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, अप्लाई करने के पास बाद आपके पास छोटा सा एक फॉर्म निकल जाएगा। ये रहा आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना फ़ोटो लगाना है। आप देख सकते हो कि आपका फ़ोटो किस तरह का नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनली आपको फ़ोटो क्लिक कराना है और यहाँ पर डालना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आई एम नॉट अ रोबोट आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास छोटा सा फॉर्म निकल करके आ जाएगा, जिसमें जॉब रोल आपका लिखा हुआ है कि ये है वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस के लिए, जो कि पैन इंडिया होने वाला है। और साथ ही में आपका पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है, जिसमें आपका नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यही सब कुछ छोटी छोटी चीज़। आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे में आपको दिखेगा के ऑप्शन सबमिट पे। आप जैसे ही क्लिक कर देते हो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इनको रिवर्ट बैक करने में 2 वीक्स लगता है। 2 वीक्स तक अगर आपको इनके तरफ से रिप्लाई आता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि फर्स्ट राउंड के लिए आप सेलेक्ट हो चुके हो। अगर आपके पास 2 वीक्स तक इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो अभी हायर कर रही है, मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो। रेगुलरली जितना ज़्यादा आप अप्लाई करते हो अलग अलग कंपनी में, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं।